हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वज्र द पावर। मैं श्री हरि आपके साथ, आपका दोस्त, आपका हमराही। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि सभी जो ट्रेडर्स होते हैं, बिगनर्स है या ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, सबके लिए एक चैलेंज होता है, डेली का चैलेंज होता है। और वो है कि आज हम किस में ट्रेड करें, क्या सिलेक्शन करें, स्टॉक्स में करें, इंडेक्स में करें, कब करें, क्यों करें। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि किस में करें। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम जो आज टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे वो है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, NSE का जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको ओपन करना है। देखिए, अगर जैसे आप गूगल में जाके टाइप करोगे NSEIndia.com तो आपको ये साइट यहाँ पे मिल जाएगी। ये नई साइट है, यहाँ पे आपको ओपन करना है। जैसे आप ये साइड ओपन करते हो तो यहाँ पे जो ये जो दिख रहा है यहाँ पे निफ्टी 50, ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट निफ्टी 50, उसके बाद मिड कैप 50, बैंक निफ्टी, जो सबका पसंदीदा भी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो ये इंडेक्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्या आज ये इंडेक्स बुलिश है या बेरिश है, ये पहले आपको देखना है, समझ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर यहाँ पे आप देखते हो कि निफ्टी बुलिश है, ठीक है, बुलिश है, तो आपको क्या करना है, ये जो है राइट हैंड साइड में यहाँ पे टॉप 5 स्टॉक्स निफ्टी 50 के दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये 5 स्टॉक है, आप इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, या अगर आपका व्यू यह है कि आज बेरिश हो सकता है तो इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन आप अगर निफ्टी बुलिश है तो आप बुलिश बनिए, और बुलिश ट्रेड आपका होना चाहिए तो आपको इन स्टॉक में से किसी एक स्टॉक को सिलेक्ट करना जरूरी होता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस। उसके बाद में अगर आप देखते हो कि निफ्टी नेक्स्ट जो है, मैं इसे क्लिक करता हूँ तो निफ्टी नेक्स्ट के यहाँ पे जो स्टॉक्स है यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। सिंबल्स में देख सकते हो कि आप VDL हो गया, NMDC, जिंदाल स्टील, IGL, सेल, ये जो है निफ्टी 50 के नेक्स्ट जो है उसके टॉपर्स है। के बाद मिड कैप के भी आप यहाँ पे स्टॉक्स देख सकते हो, देखिए जनमार्क है, बेल है, SRF है, जील है, हल है, ठीक है। बाद में बैंक निफ्टी को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे IDFC जो है वो है बंधन बैंक, RBL बैंक, पंजाब बैंक, फेडरल बैंक, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे जो टॉप है, इसमें से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। खास करके निफ्टी 50 में जैसे वॉलेटाइल है बहुत ज़्यादा, तो आप निफ्टी 50 के स्टॉक में इंट्राडे के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो। हाँ, ये सिलेक्शन का ये पहला मेथड हो गया, ठीक, आपको ये समझ में आ गया। चलिए, जैसे कि मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं स्टडीज़ के लिए जो है मैं ज़ीरोधा इस्तेमाल करता हूँ, तो मैंने मेरा ज़ीरोधा का यहाँ पर प्लेटफॉर्म ओपन किया है। आपको क्या करना है, आपका जो भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ज़ीरोधा हो, अपस्टॉक्स हो, एडलवाइज हो, फाइव पैसा हो, या एंजल ब्रोकिंग हो, कोई भी हो, आप वहाँ पे ओपन कीजिए, ठीक है। कई सारे जो एप्लीकेशन से पहले से ही देखे रखा है, जैसे कि अगर आप एडलवाइज का अगर आप एप्लीकेशन देखते हो तो बहुत ही बेहतरीन है, ऑलरेडी वहाँ पे दिया हुआ है, तो इट विल बी इजी टू यू फॉर यूज। तो यहाँ पे जैसे कि ये वॉच लिस्ट मैंने बना के रखी है, ठीक है, तो मैं अभी लाइव मार्केट में हूँ, तो यहाँ पे लाइव मार्केट का जो जो भी डेटा है वो लाइव मार्केट का है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइव मार्केट का डेटा है। तो सबसे पहला NSE से जाके आपको जो भी इंडेक्स आपको रेफरेंस के लिए रखना है, जैसे कि 5 तो है, 5 आप यहाँ पे रख ही सकते हो, कुछ भी करके आप यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए पहले वॉच लिस्ट में, ठीक। उसके बाद क्या करना है, आपको NSE की वेबसाइट पे जाना है, निफ्टी 50 जो इंडेक्स है इसे यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये आपको टॉप 5 स्टॉक्स का जो लिस्ट है गेनर्स का, यहाँ पे आपको आना है, और नीचे यहाँ पे व्यू ऑल है, इसे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये सरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 50 के सभी स्टॉक्स यहाँ पे दिए गए। तो जैसे कि हम पहला वॉच लिस्ट तैयार करेंगे, ठीक है, भागेगा मत, अभी है पिक्चर, अभी बाकी है, थोड़ी सी अभी तो स्टार्ट हुआ। यहाँ पे ये जो डाउनलोड
है CSV 5, इसे आप पहला डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड होने के बाद जो निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है वो आपको आसान हो जाएंगे लेने के। ठीक है, ऑलरेडी मैंने ये डाउनलोड करके रखा है तो मैं इसे ओपन ही कर देता हूँ। ठीक है, ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया। देखिए यहाँ पे काफी सारा डेटा होता है जो अभी इस वक्त के लिए हमें इम्पोर्टेंट नहीं है इस वीडियो के लिए, तो मैंने यहाँ पे सब डिलीट किया है और यहाँ पे रखा है सिंबल और निफ्टी 50 के 50 स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे 51 दिखाई देता है क्योंकि इसका रीजन है यहाँ पे सिंबल एक नंबर पे। ठीक है, तो मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, जिससे कि जाइए फिर आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाइए, आपको वॉचिस है 2 नंबर का या 3 नंबर का जो भी, लेकिन सेकंड नंबर पे इसे रखिए तो आपके लिए आसानी होगी। यहाँ पे जाइए आप, यहाँ पे जाके पेस्ट कीजिए। पेस्ट होने के बाद ये जो NSE यहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पे जिससे आगे आपको ऐड करना है। देखिए 2-3 स्टॉक मैं आपको करके दिखा रहा हूँ जो करके ईजी रहेगा। इसके बाद एशियन पेंट को मैंने कॉपी किया है, फिर गया यहाँ पे, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है। ओके, वापस दोबारा यहाँ पे जाता हूँ, एक्सिस बैंक का यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे मैंने इसे दोबारा ऐड कर लिया है, दिखा रहा है कि मैंने ये ऐड कर चुका हूँ पहले से। ठीक है, उसके बाद में बजाज ऑटो है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे आके मैंने इसे पेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे जो प्लस बटन दिखाई दे, प्रेस किया, ये ऐड हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बजाज ऑटो का यहाँ पे स्टॉक ऐड हो चुका। इसके बाद आपको क्या करना है, जो वॉच लिस्ट आपकी तैयार होती है धीरे धीरे करके सभी जो स्टॉक से यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा वॉच लिस्ट जो है बना सकते हो। दूसरा वॉच लिस्ट रहेगा निफ्टी नेक्स्ट 50 का। ठीक है, कौन सा? निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 यहाँ पे देख सकते हो आप। इसे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो है स्टॉक्स ओपन गए। दोबारा यहाँ पे व्यू ऑल पे जाइए, यहाँ से आप दोबारा सेम प्रोसेस डाउनलोड कीजिए। ये जो डाउनलोड ऑलरेडी मैंने जो वॉच लिस्ट बना के रखी है तो मैं यहाँ पे डाउनलोड नहीं करूँगा, लेकिन जैसे प्रीवियसली हमने ऐड किए थे वॉच लिस्ट में, तो आप ये वॉच लिस्ट यहाँ पे तैयार सकते कर सकते हो डाउनलोड करने से। चलिए, तो जीरोधा के अकाउंट पे चलते हैं। मेरा यहाँ पे ये एक सिर्फ एक टेक्निक है। ठीक है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, उनमें से एक जो मुझे बेहतरीन लग रही है वो आपको मैं बता रहा हूँ। धीरे धीरे करके काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट निफ्टी के भी है, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी के 3 वॉचलिस्ट काफ़ी है मेरे लिए। 100 स्टॉक अच्छे हैं यहाँ पे, वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो अभी क्या करना है, जैसे ये आपको ट्रेडिंग करना है तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। सबसे पहला कि आपका जो लॉगिन समय होगा वो 9 बजे से पहला होना चाहिए। ठीक, और ट्रेडिंग एनालिसिस सिर्फ 10% का होता है और 90% आपका मेंटल स्टेटस होता है। तो आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा कूल होना चाहिए। तो आप कर सकते हो कि आप थोड़ा मन को शांत कर सकते हो। ठीक है, मन को शांत कीजिए, लॉगिन कीजिए, इंतज़ार कीजिए। 9:15 बजे जैसे ही मार्केट स्टार्ट होता है आप यहाँ पे आइए। सबसे पहले आपको जो पहला वॉच लिस्ट था जहाँ पे आपने इंडेक्स रखा है, ठीक है, इजी वे है ये, यहाँ पे जाके इसे आपको शॉर्ट करना है, शॉर्ट नहीं, शॉर्ट शॉर्ट करना है परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ तो हाई लो निकलता है। अगर मैं अभी देखो हाई है तो ये लो है, टॉप पे लो आ रहा है, नीचे हाई आ रहा है, ये हाई ऊपर। ठीक है, तो यहां से मैंने समझ लिया है कि आपको, आप समझ जाएंगे कि कौन सा इंडेक्स आज बुलिश है। अगर आपको लगता है कि निफ्टी 50 बुलिश है तो आप निफ्टी 50 पे जाइए, यहाँ पे दोबारा यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए
और ये आपको यहाँ पे आपका स्टॉक यहाँ पे मिल जाए। ये देखिए पावर ग्रिड है, कोल इंडिया है, JSW Steel। खास करके ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि 9:15 जैसे आप यहाँ पे करते हो तो 5 1 मिनट, 5 10 15 मिनट यहाँ पे एनालिसिस के लिए लीजिए, जैसे कि आपका शुरुआती समय, थोड़ा समय दीजिए मार्केट को सेटल डाउन होने, और 9:30 के बाद आप जो है इसमें ट्रेड कीजिए। तब तक यहाँ पे ये जो वॉच लिस्ट है यहाँ पे काफी सारे चेंजेस आ जाए। होता क्या है कि इट्स अ 10% एनालिसिस एंड 90% ये मेंटल गेम है। कई स्टॉक क्या होते हैं, सुबह बुलिश ओपन होते हैं और वो डायरेक्टली बेरिश होके माइनस में चले जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना होता है, 15 मिनट मार्केट को देना होता है सेटल डाउन, उसके बाद आप एंट्री कर दीजिए। फिर धीरे धीरे आपको जैसे एक्सपीरियंस आ जाएगा और कुछ चीज़ें आपको पता चलेगी तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे ओपन कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये आज बुलिश है और आप यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ आपका स्टॉक हो गया। ऐसे 3 4 आप टैब ओपन करके रखेंगे अलग अलग इसके, ये मैंने अलग टैब ओपन कर लिया है। ठीक है, जो भी 5 गेनर्स है उसके अलग अलग टैब आपको ओपन करना है और फिर यहाँ पे डिसीजन लेना है कि कौन सा स्टॉक आज ऊपर जा सकता है और कब ऊपर जा सकता है, कैसा जा सकता है। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इंतजार करना। अगर आपको ये वीडियो मेरा सिलेक्शन ऑफ स्टॉक पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जो आने वाले जो मेरे जो भी आपके वीडियोस है आप देख पाओगे। टिल देन थैंक यू, धन्यवाद, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।